मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जो हमने मांग रखी थी वो पूरी हो गई है और मतलब एक्साइटमेंट हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। प्रधानमंत्री आते हैं और बताते हैं कि जो हर एक किसान को हम खुश रखना चाहते हैं उसको देखते हुए हम आज वो किसान कानून वापस लेते हैं। आपको मैं उन गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाऊं तो इस वक्त वो खुशियां आपको नजर आएंगी कि किस तरह से वो एक बड़ा दिन था। सबसे पहले गुरु पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक तोहफा आया। आप सभी को भी गुरु नानक देव जी के पावन पवित्र जन्म दिवस पर और गंगा स्नान पर पूरे देशवासियों को लख लख बधाइयां। और केंद्र में बैठी सरकार उसकी तरफ से एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो आज आया है किसानों के लिए, धरती पुत्रों के लिए, जो निरंतर पिछले लगभग एक साल से संघर्ष कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में बैठकर आज एक खुशी की लहर हम लोगों के बीच में आई है। इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग गद्दार नहीं हैं, हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग धरती पुत्र हैं। हमने देश की सेवा करी है, देश की सेवा करते आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वस्थ करना चाहता हूं कि धरती पुत्र ने करके धरती से उगाया है और देश के प्रत्येक घर तक पहुंचाया है। और इस पावन पवित्र पर्व पर, गुरु नानक देव जी के पावन पवित्र जन्म दिवस पर, जो ये एक गिफ्ट कह लीजिए या ये कह लीजिए कि एक तोहफा, बेशकीमती तोहफा, जो हम बयान नहीं कर सकते कि हम लोग अपार खुशी आज हमें जो मिली है, इसके लिए हम प्रत्येक उस सभी का जिन्होंने इस आंदोलन में सहयोग करा, आंदोलन को जिंदा रखा और मजबूती प्रदान करी इस आंदोलन को, उन सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। सबके साथ चलना है, अगर एक भी किसान या एक भी व्यक्ति नाराज है तो वो हम नहीं चाहते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। और शायद एक बहुत अच्छा कदम आज उस लाइन पर अगर हम समझ सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास क्या होता है, कोई भी नाराज ना रहे, सबके हित में बात हो, क्षमा मांगते हुए भी एक तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में शायद कमी रही होगी लेकिन अब आगे बढ़ने की अगर हम सोचे तो मिलकर आगे बढ़ा जाए। बहुत सुंदर बात है, अगर देश के प्रधानमंत्री इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे दर्द को समझ रहे हैं। ये आज ये भी दिन है कि ये सरकार कहीं किसी बाहर किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने नहीं बनाई थी, हम ही लोगों ने बनाई थी, हमारी खुद की अपनी सरकार थी, कुछ हमारी उम्मीदें थी सरकार से, सरकार ने वो वादे किए थे, सरकार ने वो विकास की राह हमें दिखाई थी, सरकार ने कुछ सपने हमारे लिए रखे थे, सिर्फ बात ये थी कि उन सपनों को साकार करने की बात थी। किसान और मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने हमेशा आफत के समय में, विपदा के समय में देश को आगे मजबूती प्रदान करी है और हमेशा देश के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। बिल्कुल, आप परिवार के साथ हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक गिफ्ट तो है ही, आप सबसे पहले आपके लिए सबसे बड़ा दिन था एक तो, और उस दिन इस तरह से सामने के आकर वो कानून वापस लिए गए हैं, एक हित की बात की गई है, एक बहुत पॉजिटिव वे में बहुत अच्छी तरफ हम बढ़ रहे हैं। सर ये तो है ही है, बेसिकली मैं तो एक मतलब कह लो कि डोमेस्टिक वुमन हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा पॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक होना आता नहीं है। सिंपली जो बात सिंपल वर्ड्स में यही है कि जो देश में चल रहा था इससे तो हम अवेयर है ही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये सब सही लगता था कि जो आखिर कोई इतनी देर तक इतना लंबा संघर्ष नहीं कर सकता बिना किसी बेस के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता था कि उनका स्टैंड सही है। और आज जो है मुझे, हम तो घर से निकले थे और हम आते जाते हमेशा यहाँ पे स्टे करते हैं, चाहे वो कहीं भी कोई भी मतलब फार्मर्स का कहीं भी चल रहा हो, हम वहाँ पे स्टे करके जरूर जाते हैं। तो आज भी हम निकले थे तो गुरु नानक जयंती था, दिवाली पर भी हम आए, हमेशा आते हैं विद फैमिली, आते हैं अकेले भी आते हैं। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मतलब लग ही नहीं रहा, अंदर से ये खुशी आ रही है बाहर कि यहाँ भी शब्दों में बयान नहीं हो सकती, कि लग रहा है जैसे कोई अपना बंदा जीत गया है। छोटी सी बच्ची भी खुश है। क्या नाम है आपका? सहज कौर। सहज आप बहुत खुश हो, क्या लग रहा है? आप क्या पहले रोज आते थे लेकिन अब एक पॉजिटिव वे में आज सब कुछ हो रहा है, क्या लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जो हमने मांग रखी थी वो पूरी हो गई है और मतलब एक्साइटमेंट हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप प्राइम मिनिस्टर को कुछ कहना चाहते हो? वेरी मच थैंक यू। थैंक यू कहा जा रहा। तो देखिए ये वो परिवार है इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद है, वो माहौल में अगर आपको दिखाऊं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर का, तो यहाँ पर जो किसान है उनका जमावड़ा आपको दिख जाएगा। इस वक्त जो कानूनों को लेकर जो उनकी लंबी लड़ाई थी, उनका ये कहना है कि हमारी सुनी गई,
प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बताया कि हमारी तपस्या में अगर कमी रह गई है तो हम उस पर दुगना काम करेंगे, और इस वक्त ये बिल जो 29 तारीख से अब संसद का सत्र शुरू होगा तब ये वापसी की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर वही खुशियां गाजीपुर में, ये वो तस्वीर जो हर जगह इस वक्त लगातार आपको नजर आ रही हैं। और यही बात कहते हुए बार बार कि अगर एक भी किसान, एक तबका, छोटा तबका भी हो, अगर वो भी नाराज है तो हम उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। गुरु नानक जी जो कहकर गए थे कि सबको एक साथ लेकर चलना है, उसकी बात करते हुए प्रधानमंत्री ने आज किसानों को ये तोहफा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट हसन इमाम के साथ वरुण भसीन, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली।